तो गाइस देख सकते हो लेट लेट के परिक्रमा हो रहा है यहाँ से भोले जाना है वहाँ पे इन लोग को लेट लेट के 2200 किलोमीटर या फिर तो यहाँ पे पैदल हम लोग चल रहे हैं जैसे बम लोग पैदल लोग जाते हैं ना वो लोग बम उसी तरह अपन लोग पैदल जा रहे हैं। बस बाइक का देखो यार स्कीट कैसे मार रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा ये देखो अपना जूता कितना ज़्यादा अंदर जा रहा है। डेढ़ महीना से काम हो रहा है टेंट वाला। अच्छा ये दुकान है डेढ़ महीना से बन रहा है और ये 22 तारीख को एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। ओके ये कल फाइनल हो जाएगा। सो गाइज मैं ना मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को दुख हो क्योंकि बाइक बहुत ही स्लिप हो रही थी और उसके कारण मेरा बाइक कोई बाइक से टकरा गया है। स्लिप होने के कारण मंटू चला रहा था तो टकरा गया। तो मैं ये सोचा ना अगर बाइक टकरा सकती कोई दूसरा बाइक में तो कोई बम जा रहा है अगर उसमें टकराएगी तो उनका क्या होगा यार। ऑलरेडी वो लोग इतना किलोमीटर पैदल चल के आए। राम गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो गाइज आज एक बार फिर से अपन लोग सुबह के टाइम में लाइक 17 तारीख है और अभी अपन लोग आ चुके हैं धाम के पास। तो यहाँ पे आते हैं ना नवामी घाट पे आ चुके अपन लोग और फिर यहाँ से ना अभी सारे लोग पानी उठाएंगे जल और फिर जाएंगे देवघर जो कि 105 किलोमीटर है। वहाँ से पैदल यात्रा करके जाएंगे और फिर वहाँ पे पानी चढ़ाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लोग पानी उठाते हैं और फिर किधर से लोग चल के जाते हैं। देख सकते हो गाइस अभी अपन लोग यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, अंदर की साइड जाएंगे, सारे लोग स्नान कर रहे हैं और फिर वहीं से जल उठा रहे हैं कावर पे और फिर वहाँ से 105 किलोमीटर चल के लेके जा रहे हैं पैदल यात्रा करके देवघर के तरफ। तो गाइस अभी का देख लो यार इधर का मतलब पूरा काया पलट हो चुका है यार, काफ़ी सारा भीड़ आ चुकी है प्लस सारे लोग श्रद्धालु लोग पूजा पाठ कर रहे हैं नहा के, प्लस उधर देखो और भी बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। ये देख सकते हो बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, यहीं से जल लेंगे और फिर कावर पे लटकाएंगे और फिर अपना कंधा पे लेके निकल जाएंगे ये लोग 105 किलोमीटर। प्लस उधर के साइड एक बोट भी है। यहाँ से भाई 105 किलोमीटर चलना क्या मुश्किल होता है ना ये आपको पता होगा, कोई 5-10 किलोमीटर चल के ही थक जाता है और ये लोग 105 किलोमीटर। और इधर देखो सारा कवर यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से सारे लोग जल उठाएंगे। सो ये देखो गाइस उधर के उधर साइड नहीं जाना होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है लेकिन फिर भी वो लोग जा रहे हैं उधर नहाने के लिए। और यहाँ से देखो सारे लोग ये लोग डब्बा में कितना लोग गंगा जल लेके जाते हैं और फिर इधर देखो सारे लोग कैसे स्नान कर रहे हैं। इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है प्लस उधर परिक्रमा कर रहे हैं लोग बोलबम बोल के, देख रहे हो उधर वो देखो परिक्रमा कर रहे हैं कुछ लोग। प्लस इधर के साइड देखो ना तो सारे लोग कैसे स्नान कर रहे हैं देख सकते हो। तो अभी दिखाते हैं आपको ना कावर से लोग कैसे लेके जाते हैं और फिर कहाँ जाते हैं ना आपको रास्ते में हर कुछ दिखाते हुए अपन लोग यहाँ से निकलेंगे अभी। और फिर ये देखें श्रावणी मेला 2024 यहाँ पे मेला लगने वाली, काफ़ी अच्छा तरीके से बहुत कुछ तैयार हो चुका है। शंकर जी को देख रहे हो संघ से वो प्लस वो शिवलिंग देखो ओम लिखा हुआ हर हर महादेव। और इधर की साइड देखो काफ़ी सारे लोग तैयार है यहाँ से कावर लेके जाने के लिए। और फिर हमारा मंटू भी तो यही था अभी किधर गया भाई। तो सारे लोग इधर से अब कुछ ही टाइम में बहुत कुछ बहुत सारे लोग तो निकल चुके बट कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी निकल रहे हैं बोलबम। सो इधर देखो सारे लोग खाना पीना रात में खाए थे प्लस यहाँ से निकलेंगे सारे लोग अभी। और भाई गर्मी बहुत ही भयानक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख के बता सकते हो कितना गर्मी है। बट तो ये देखो गाइस ये कवरिया है, सारे लोग इसी को लेके जाते हैं, इसी में पानी लेके जाते हैं सारे लोग लटका के दोनों तरफ, देख रहे हो ऐसा होता है। प्लस आगे पीछे सारा कुछ लोग तो इतना भारी में पानी लेके जाते हैं भाई, बहुत ही भारी भारी सा होता है। और ये लोग बेचारा भाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय करते हैं और ये लोग भी निकलने वाले, देख रहे हो कलश कैसे लेके जाते हैं ये लोग, ये देखो कितना बड़ा होता है शिव जी का। प्लस पानी और भी आपको आगे बहुत कुछ दिखाएंगे बट यहाँ से निकलने के बाद अपन लोग आपको सारा कुछ दिखाएंगे कैसे लोग कावर लेके जाते हैं ना, किस रास्ते से लेके जाते हैं वो भी दिखाएंगे। सो गाइस देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डब्बे सब लेंगे प्लस सारे लोग अब निकलेंगे। प्लस वो देखो लेडी लेके जा रही है आंटी जी, उधर से कावर लेके आ रही है, देखो अभी इधर की साइड आएंगे फिर इधर से ही सारे लोग निकल के देवघर की तरफ जाएंगे। तो सोच रहे गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी ना, ये देखो यहाँ से लेके जा रहा है कावर तो ये डायरेक्ट देवघर जाएंगे 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके। हाँ इधर से ही चल लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से दायां साइड मुड़ेंगे ना तो बाबा धाम जाने का रास्ता है, वहाँ सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। प्लस इधर से ही सारे कवरिया लेके जा रहे हैं सारे लोग, तो आपको आगे से भी दिखाते हैं सारे कवरिया लेके जा रहे हैं उनको भी दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो लेट लेट के परिक्रमा हो रहा है, यहाँ से भोले जाना है वहाँ पे इन लोग को लेट लेट के 2200 किलोमीटर या फिर मेरे को नहीं पता शायद वहीं जा रहे हैं।
सो यार लेट लेट के ये लोग परिक्रमा करते हुए जाएंगे बोलबम। तो यार कितना दिन कितना टाइम लगेगा इन लोग को। इधर की साइड देख सकते हो ये सारे कवर ये लोग जा रहे हैं, प्लस इधर की साइड काफ़ी सारा मंडल बन रहा है। इधर खाना पीना सारा कुछ जो भी सामान सब बिकेगा वो रहेगा। और देखो इधर रेलवे स्टेशन है, इधर से रेलवे स्टेशन से उतर के सारे लोग बोलबम के लिए जाते हैं, इधर स्नान करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से कवर में पानी लेके आगे जाते हैं। तो सारे लोग नीचे से जा रहे होंगे फिलहाल तो, प्लस ये देखो इधर से एक दो लोग जा रहे हैं ऊपर के साइड से ही। तो गाइस देख सकते हो इधर के साइड भी काफ़ी सारे लोग कावर लेके जा रहे हैं और ये बंगाली का है गाइस, क्योंकि हम लोग का जो भी स्टार्ट होगा ना वो 22 जुलाई से, बट अभी बंगाली का चल रहा है, प्लस नेपाली लोग आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं कुछ लोग। और उधर की साइड देखो खाना पीना लोग खाते हैं और इधर से सारे लोग कवर लेके जाते हैं। देखो कवर कुछ रख दिए और फिर अंदर की साइड खाना खा रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ से बहुत सारे लोग कावर लेके जा रहे हैं आगे की तरफ, और सारा बंगाली है क्योंकि अभी बंगाली का ही चल रहा है, बंगाली का कवर यात्रा भी है हम लोग का 22 जुलाई से स्टार्ट होगा, प्लस बंगाली प्लस बहुत सारे नेपाल से भी आए हैं। और इधर की साइड देखो कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुका, कभी बादल आती है कभी धूप आती है ऐसा हो रखा है। तो इधर रेस्ट कर रहे हैं, खाना पीना खाएंगे और फिर निकलेंगे। कुछ लोग देखो किधर छोटा पानी लेके जा रहा है डब्बा में, और कुछ लोग बहुत ही बड़ा बड़ा टब में लेके जा रहेगा इस पानी, एकदम जो तांबा वाला होता है ना बड़ा सा तसला टाइप का उसमें लेके जा रहे हैं। और देख सकते हो ये सब सारा कुछ श्रद्धालु लोग के लिए बना है, जो भी कावर लेके जाते हैं ना उनके लिए बना है, बन रहा है प्लस पूरा कंप्लीट होगा और ये कावर लेके जा रहे हैं। सो हर हर महादेव, बम बम बोले हर हर महादेव। और ये देखिए इधर पेंट वेंट कर रहे हैं सारा कुछ, ये देख रहे हो रेत पे ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि जब श्रद्धालु लोग जा सकते तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते, प्लस गाड़ी लेके नहीं जाना था, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियो लाने के लिए हम लोग बाइक से चल रहे हैं, ताकि आप लोग देखो अच्छे से। और जो भी आने वाले हो ना कवर लेके, कवर लेने के लिए वो गाइस इधर से जाना अच्छे से। भाई बालू काफ़ी ज़्यादा, रेत बहुत ही गड्ढा वाला, ये देखो बाइक कैसे फिसलन हो रही है। अरे भाई साहब, सो बहुत ही ज़्यादा चक्का इधर उधर स्लिप हो रहा था, बट सही है फिर भी। और इधर की साइड देखो कवर लेके जा रहे हैं एक बहुत ही अंकल जी, बहुत ही एज हो चुका शायद इनका, प्लस हेवी वेट है ये, बट फिर भी सही से लेके जा रहे हैं कवर यार। बम बम भोले, बम बम भोले। तो यहाँ पे देखो सारे लोग स्टे कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा थकान होने के कारण ना इधर रेस्ट करते हैं सारे लोग। अभी हम लोग रोड के नीचे नीचे बिल्कुल जहाँ से रेत जा रही है, जहाँ से कवर लेके जा रहे हैं, जो यात्री लेके जा रहे हैं उनके साथ बिल्कुल अपन लोग पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल पैदल चल रहे हैं, बाइक से आए लेकिन अभी पैदल चल के आगे की ओर जा रहे हैं आपको कुछ दिखाने के लिए। प्लस यहाँ से लोग कैसे चलते हैं खाली पाँव देख सकते हो यार, खाली पाँव ही चल रहे हैं, देखो पीछे की साइड, और रेत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है, खाली पाँव चल रहे हैं फिर भी इन लोग। भाई मतलब पूजा में ऐसा श्रद्धा होता है ना, विश्वास होता है ना, कि हर दुख हर पीड़ा को झेल लेता है वो पूजा पाठ का श्रद्धा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बम लोग के लिए नहाने का, प्लस होटल में जो बर्तन धोते ना उनके लिए स्पेशल पानी है, पाइप इधर करके नहाते भी है कुछ लोग, और प्लेट ये सब होटल का धोता है। और ये देखो सारे बम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं अभी भी इधर की साइड, और ये परिक्रमा करते हुए आंटी जी जा रही हैं, तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे परिक्रमा करते हुए, लेट के परिक्रमा करते हुए, ये तो आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हो पंडाल कितने अच्छे तरीके से बन रहा है सारे बम के लिए, जो भी जाएंगे उनके लिए, सारे बम के लिए बन रहा है पंडाल, यहाँ पे रेस्ट करेंगे। प्लस जहाँ पे पंडाल बन रही है ना उसके नीचे देखो तो बिल्कुल ही पानी है। हाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कब से काम स्टार्ट हो रहा है ये? 22 तारीख से, मतलब डेढ़ महीना से काम हो रहा है, ये दुकान टेंट वाला। अच्छा ये दुकान है, डेढ़ महीना से बन रहा है, और ये 22 तारीख को एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। ओके, ये कल फाइनल हो जाएगा, कल फाइनल हो जाएगा, आज तक हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा। अच्छा कल क्लियर हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो यार पानी में, बिल्कुल पानी में ये लोग टेंट लगाते हैं, इंटरनेशनल। अच्छा तो देख सकते हो यार पानी में टेंट लगाना कितना प्रॉब्लम वाली काम होती है ना, वो आपको पता होगा। नीचे की साइड देख सकते हो जन, वो भाई कितना मेहनत से वो नीचे बना रहा है, दिख रहा है क्या? वो देखना, बहुत ही मेहनत से बना रहा है। पानी के अंदर जाने के बाद आपको बांस खड़ा करना, फिर उसके बाद मिट्टी उस पर डालना, बहुत ही मेहनत वाली काम है गाइस। सो आप लोग देख के बता ही सकते हो कितना मेहनत है इसमें। आज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पैदल हम लोग चल रहे हैं, जैसे बम लोग पैदल लोग जाते ना वो लोग बम,
उसी तरह अपन लोग पैदल जा रहे हैं। बस बाइक का देखो यार स्कीट कैसे मार रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये देखो अपना जूता कितना ज़्यादा अंदर जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बालू है ना, उसके कारण पैर काफ़ी ज़्यादा अंदर जाती है और गाड़ी देखो कैसे स्लिप कर रही है बाइक अपना उधर के साइड। तो बस ऐसे ही हम लोग भी जा रहे हैं। सो गाइस देख सकते हो बम्बे का स्नान कर रहे हैं, मैंने पीछे भी दिखाया था ना कि बम के लिए स्पेशली नहाने के लिए बनाया गया, तो वो नहा रहे हैं। प्लस इधर की साइड देखो और भी लोग स्टे कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, जो भी हो रहा है रेस्ट कर रहे हैं। तो भाई अभी अपन लोग ना जो बम का रास्ता है ना रेत वाली, उससे अपन लोग ऊपर आ गए रोड पर देख सकते हो, क्योंकि यार मैं ना किसी को कष्ट नहीं दे सकता गाइस, क्योंकि यार मेरे कारण किसी को हर्ट हो तो वो वाली फीलिंग्स मेरे में नहीं है गाइस कि मैं किसी को हर्ट करूं, क्योंकि इतना चक्का स्लिप हो रहा है ना, कोई बम जाएंगे आगे साइड अगर स्लिप हो के उनको लग गया तो उसका जो भी पाप का भागीदार होंगे वो हम हो जाएंगे ना, उनको कष्ट हो जाएगी तो उसका पाप का भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसीलिए अपन लोग मेन रोड से जा रहे हैं और इधर से ही जाएंगे, और आपको इधर की साइड आपको बम को दिखाते हुए जाएंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगा दिखाने का वहाँ पे आप लोगों को पैदल उतर के अपन लोग उस साइड जाके बम से बात करवाएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए अपन लोग मेन रोड से ही चलते हैं और उधर रेत वाली रोड को छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे कारण उनको हटो ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैं किसी को हट नहीं पहुँचा सकता, ये मेरे को पसंद नहीं आता। तो ये देखो ये दुर्गा जी का मंदिर है, श्री श्री दुर्गा मंदिर, और इधर के साइड बहुत सारे बम लोग बैठे हुए आश्रम कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, विश्राम कर रहे हैं। और इधर के साइड से देखो वो बाइक, मतलब क्या ही बोले यार, बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिए तो उधर बाइक वाले के लिए उधर बना ना, इन लोग पैदल यात्री के लिए इधर बना, तो बाइक नहीं चलाना चाहिए भाई। मैं ऐसा रहते ना अगर लग गए ना किन्हीं को तो भाई कितना वो बोलते ना, क्या बोलते हो, किसी का दुख का वो क्या बोलते ना पाप मेरे को लगेगी, इसी कारण से बाइक रोड पर कर लिया। और ये देखो इधर बम सारे विश्राम कर रहे हैं, कवर वहाँ पे रख दिए, कमर क्या बोलते हैं इसको, कवर ही बोलते हैं ना, तो इधर रख दिए और सारे लोग अंदर विश्राम कर रहे हैं अभी। वो देखो खाना पीना इधर ही मिलता है और यहाँ पे बैठने का कपड़ा वपड़ा जो भी होता है वो पसारते हैं, नहा धो के यहाँ पे और आगे सड़ जाते हैं। तो अभी चलते हैं आप लोग को बाइक से और भी आगे का टूर करवाते हैं आपको। सो गाइज मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को दुख हो, क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो रही थी और उसके कारण मेरा बाइक कोई बाइक से टकरा गया है, स्लिप होने के कारण मंटू चला रहा था तो टकरा गया। तो मैं ये सोचा ना अगर बाइक टकरा सकती कोई दूसरा बाइक में तो कोई बम जा रहा है अगर उसमें टकराएगी तो उनका क्या होगा यार, ऑलरेडी वो लोग इतना किलोमीटर पैदल चल के आए, 20-22 किलोमीटर चल चुके, 25-30 किलोमीटर, और अगर उनमें टक्कर लग गई तो भाई कितना मैं पाप का, मतलब क्या बोल सकते हो, वो मेरे को उससे अच्छा से नहीं आता, मतलब पाप मेरे को कितना ज़्यादा लगे वो आप लोग सोच सकते हो। तो इसी कारण से अपन लोग रोड पे आ चुके हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगा वो वहाँ से आपको नीचे जाएंगे और फिर दिखाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी फिलहाल अपन लोग 25 से 30 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ से देवघर 89 किलोमीटर और बचा है, तो अभी आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। पूरा फुल डिटेल में आपको वीडियो दिखा रहा है गाइस, तो प्लीज़ यहाँ तक देखो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, और फिर ये पार्ट वाइज पार्ट में डिवाइड करके आएगा, दो या फिर तीन पार्ट से आएगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि 10 पार्ट 20 पार्ट ऐसे करके घीसूँ व्यूज़ के लिए, मेरे को व्यूज उतना भी ये नहीं है कि मेरे को व्यूज एकदम दो कैसे भी, तो मैं वैसा नहीं चाहता, इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में लाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको वर्णन करके लाऊंगा, जो कि आप लोग देख सकते हो और 22 तारीख को आप लोग भी आ सकते हो। तो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, आज शाम में 4:30 आएगी, कल सुबह 8:00 आएगी, ऐसे करके अपन लोग ब्लॉग अपलोड करेंगे। तो गाइस अभी अपन लोग रामपुर पहुँच चुके हैं और यहाँ से देवघर देखो 105 किलोमीटर शो कर रहा है, लेकिन है फिलहाल 85 किलोमीटर ही बचा है। और ये देखो रामपुर का इधर का मैं जा रहा है और यहाँ तक अभी अपन लोग रामपुर आए, क्योंकि आपको फर्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाए थे रामपुर से आप लोग को स्टार्ट किए थे, तो यहीं पे आपको दिखा रहा है यहाँ तक का सोच रहा है, यहाँ से पार्ट वन इससे आगे जाएंगे, क्योंकि अभी अपने को खाना पीना भी खानी है, भूख लगी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से पार्ट टू स्टार्ट करेंगे गाइस। तो अभी यहाँ तक छोड़ते हैं आपको पार्ट वन के लिए, तो बस वीडियो में बने रहना गाइस। तो अब लोग सोच रहे हैं वीडियो को यहाँ पे एंड करें, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। और ये देखो बोल बम, सो बाय बाय गाइस, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, लाइक इसका पार्ट 2 वाले में मिलते हैं।